अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सानिहा लाल मस्जिद तो याद होगा। कुछ लोगों के नजदीक ये वाकया था, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो उसे सानिहा समझते हैं। मेरा मौकफ कल भी यही था और आज भी यही है कि उनका मुतालबा गलत था। लाल मस्जिद के तुलबा का यह कहना कि इस्लामाबाद से फौशी के अड्डे और मसाज सेंटर खत्म किए जाए। हाँ, उन्होंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती कि उन्हें असला नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या उन बच्चों को, उन लोगों को एक कमरे जो एक इमारत में महदूद हो गए थे, लड़ने मरने पर आमादा थे, उनको बचाया जा सकता था? ये मामला खून खराबे के बगैर खत्म किया जा सकता था? हाँ, ऐसा हो सकता था और ऐसा होने वाला था। रशीद गादी साहब, मौलाना रशीद गादी साहब जो उस तहरीक के रूए रवा थे, एक तरह से वो मान गए थे कि हम बच्चों को जो अंदर कैद है, हमारे पास कैद तो नहीं कहेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है अंदर, हम उन बच्चों को बाहर भेज देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, लेकिन दिन का इंतजार कर लिया जाए। और जब यह इतला उस वक्त वजीर आजम शौकत अजीज को दी गई तो उन्होंने कहा, हूं बड़ी देर हो गई है, मैं तो कुल्फी खाने जा रहा हूं। यानी कि अभी बहुत देर हो गई है और मैं बच्चों के साथ कुल्फी खाने जा रहा हूं। फिर वो कुल्फी खाने के लिए चले गए और लाल मस्जिद पर एक बारूद बरसा दिया गया। कितनी बच्चियां, कितने बच्चे वहां शहीद हुए कुछ पता नहीं चला, उनकी लाशें कहां गई कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि फास्फोरस डाल के उनकी लाशों को सोख्ता कर दिया गया था। अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए। तो उस वाकये के बाद वो जो कुल्फी खाने वाले साहब थे, उनके साथ क्या हुआ? कल लंदन से हमारे एक बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त आए हैं जिनकी 3 माह पहले शौकत अजीज से मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि उसका एक ही बेटा था, एक अकलौता बेटा, और उसकी जायदाद इतनी है कि लंदन में महल और लंदन की कीमती तरीन जगहों पर उसकी इमारतें, जायदाद, बहुत कुछ है उसके पास। लेकिन जब उसके बेटे को कैंसर हुआ तो वो अपनी तमाम तर दौलत, सरवत, वसायल, जायदाद के बावजूद उसको नहीं बचा सका और उसका बेटा मर गया। और जब लाश उसके बच्चे के सामने लाई गई तो बस हसरत याद की तस्वीर बना उस लाश को देखता रह गया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। उसकी 2 बेटियां, शौकत अजीज की 2 बेटियां, दोनों आपस में मुकदमेबाजी कर रही हैं, लड़ रही हैं, ये जगह मेरी है और ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। बात ही पर खत्म नहीं। वो शौकत अजीज जो कुल्फी खाने चला गया था, आज ये जगह बिल्कुल ब्यासरा काठ का बुद्ध बना बैठा हुआ रहता है, उसके मुंह से लाल टपकती रहती है। यहां पर उसके बिब बांधा जाता है कि उसका लिबास खराब ना हो। एक मुलाजिम हायर किया गया है जो उसके मुंह से बहने वाली राल साफ करता रहता है। उसका हाल यह है कि उससे आप पूछेंगे, शौकत साहब कैसे मिजाज है, तो खाली खाली आंखों से देखते हुए कभी क्या जवाब देता है, कभी क्या जवाब देता है। अक्सर वो ये कहते हैं, ये मैंने नहीं किया, मैंने दस्तखत नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। ये कुदरत की तरफ से इंतकाम है। अल्लाह ताला हमें जालिमों की फहरिस्त में शामिल होने से बचाए और किसी का नकत्ल नहा करने से बचाए। बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है। यहां भी इंसान को भुगतना पड़ता है और वहां भी इंसान को जवाब देना पड़ता है। यहां शौकत अजीज जिसे कोनो फर्क का आलम था कि शायद सिर्फ बाथरूम का दरवाजा वो खोला करता था, गाड़ी का दरवाजा, दफ्तर का दरवाजा, घर का दरवाजा उससे पहले भाग कर खोलने वाले बहुत वो करते थे। आज अपने हाथों से अपना मुंह भी साफ नहीं कर सकता। आज वो बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। अल्लाह ताला हमें और हमारे हाल पर हिफ़ फरमाए।